ए सोनी भी ना एक कम तंग का नहीं करती, एक कंटा हो गया, इतनी सी चीज लेने गई थी अभी तक नहीं आई। आ जाएगी यार। लो जी आ गई। अब क्या करूं इसका? वो मैं ये लाने के लिए ऊपर गई थी। बातें शाते हो गई है। इनकी शक्ल से तो लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। और तुसी भी बात आगे बढ़ाओ ना। अब हाँ तो चेरी फोन कर दो तुम्हारी मामा को, कह दूं कि बात पक्की। हैं? जी। जी अरे बाप उतर जिंदा रे। इंदर पुत्र कंग्रेचुलेशंस चेरी, तुमने तो जीते का दिल जीत लिया। जरूर तुम में कुछ बात है। सोनी पुत्र कितने चली? वो मैं कमरे में जा रही थी ऊपर। एक काम तो बाद में भी होता रहेगा, पहले जाके अपने देवर नु बधाई नहीं देगी? दोनों को बधाई हो। थैंक यू सोनी बाबू। थैंक्स सोनी भाभी।
भाई वो एक प्लेट और लगा देना, सुहानी भी डिनर करेगी हमारे साथ, उसके लिए जगह बना के रखना। उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? वो मेरी जगह ले सकती है। क्या? वाव, यहां आकर लग रहा है कि दिवाली है, है ना शब? मैं तो घर पर बहुत लोनली फील कर रही थी। माही, तुम मुझे दिवाली विश नहीं करोगी? क्या फर्क पड़ता है? I'm sure तुम्हारी दिवाली बहुत अच्छी है। Of course। अबे खाना लग गया। चलो जी। दिवाली के पकवान। पर गिल्लू, ये माही के हाथों का बनाया हुआ खाना देख कर ना मुझे अपने बचपन की भूख याद आने लगी है। दास में की करा। खाओ खाओ, खूब जम के खाओ, पर खाते वक्त अपनी उम्र ना भूल जाना। कोई नजर ना लगा। माही किधर चली? खाना नहीं खाना? जी नहीं, भूख नहीं, आप लोग खा लीजिए। और वाले दिन भी भूख। चलो जी, आज बैठो जी बैठो। ये हो क्या गया माही? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? अच्छा हुआ बुआ जी आप वापस चली आई, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। हाय सच्ची, मत जा गुड़ खा के। आए, लो जी, मेरा बहुत पेट शेट में दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। बुआ जी मैं अभी आपको दवाई देती हूँ। नहीं, वो वाली दवाई नहीं, तेरे को तो पता है भाई, जब तेरी बुआ के पेट में बहुत सारी बातें शाते जमा हो जाती है ना, जब तक मैं तुझे ना बता लूं मेरे दर्द ही नहीं ठीक होता। वो वालिया तेरे को बताऊं, जाम मैं मार। सोनी, और सोनी आ गई हिटलर। चल तू पहले इस हिटलर से ही बातचीत कर ले, मैं अपनी सारी बातें तुझे बाद में बताऊंगी, ठीक है? मैं भी मिल के आती हूँ। हाँ, इस परजाई को भी अभी आना था। हाय, मैं मर जावा। इस घर में ताजी ताईजी की वजह से रह रही थी, मुझे लगा कुछ दिनों बाद वो चली जाएंगी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता वो यहाँ से जल्दी जाएंगी, और मैं यहाँ तब तक नहीं रुक पाऊंगी, इसलिए तुम जाकर उनसे बात कर लेना। मैंने अपना सामान बांध लिया। हो क्या गया? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे खुद कुछ नहीं जानते। ऐसा हुआ क्या है भाई? What the hell has happened? क्या हुआ?
तुझे क्या हुआ? मैं जानती हूँ हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर था, लेकिन मेरी वजह से नहीं, गलत फहमी तुम्हें हुई थी। मैं तो हमेशा से कहती रही, हमेशा कहती रही कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। तुम्हें तो एक मॉडर्न टाइप की लड़की चाहिए और मैं वैसी नहीं थी। लेकिन जब तुम्हें सच्चाई का पता चला, तुम मुझसे नफरत करने लगे। मैं बर्दाश्त करती रही और तुम मुझे तकलीफ देते रहे। देखो माही, मेरी बात सुनो। सब मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं चाहते, तुम कोई और तरह की लड़की चाहते, लेकिन कम से कम मेरे जाने तक का तो इंतजार कर लो। अब मैं और इस छत के नीचे नहीं रह पाऊंगी, जब मेरा दम घुट रहा है। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मुझे प्लीज यहाँ से बाहर जाना। तुम जाकर ताई जी से कुछ भी कहो, लेकिन मुझे यहाँ से जाना। देखो माही, मेरी बात सुनो। मेरे एक गलतफहमी की वजह से हमारा रिश्ता इतना बिगड़ चुका है, अब गलतफहमी तुम्हें हो रही है। जरा सोचो तो। मैं सोचूं? मुझे कुछ सोचने की जरूरत, कुछ नहीं सोच रहा। मुझे क्या मिला मुझे सोचने? मैंने सोचा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा तुम्हारे लिए प्यार देखकर तुम एक ना एक दिन मुझसे प्यार करने लगोगे। लेकिन क्या हुआ शब, क्या हुआ मेरी सोच का, क्या फर्क पड़ गया? कुछ नहीं। और अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, तुम्हारी आजादी के लिए मैं खुद को खत्म करने चली। लेकिन तब मुझे सोनी की याद आ गई। क्या जवाब देती मैं उसे, क्या करती? सोनी के लिए मुझे जीना पड़ा, लेकिन अब मैं इस छत के नीचे नहीं जी पाऊं। मुझे जीने के लिए यहां से बाहर जाना, जब मेरा दम घुट रहा है यहां पे। शब, मैं और नहीं बर्दाश्त कर पा रही। प्लीज तुम चाहे जो चाहे जाकर ताई जी से कह दो, लेकिन मैं यहां नहीं रह पाऊंगी, मेरा दम घुट रहा है। मैं ताई जी को कैसे कह दूं जाने? मैं नहीं जानती तुम जाकर क्या कहोगे, जो चाहे जाकर कहो, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ और हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अरे भाई, तुम क्या बात कर रही हो? मैंने तुम्हें सुहानी की बाहों में देखा है और तुम मुझसे पूछ रहे हो। मैंने अपनी आंखों तुम दोनों को एक साथ बिस्तर पर देखा और तुम मुझसे पूछ रहे हो। मेरे जाने के बाद तुम सुहानी को यहाँ लाओ, उसके साथ जो करना चाहे करो। तुम्हें तुम्हारी आजादी मुबारक हो, तुमने कभी मेरी परवाह तो नहीं की, लेकिन कम से कम ताई जी का लिहाज करो। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, मेरी बात सुनो। माही, गिर जाएंगे। आप मेरा कंधा पकड़ो, मैं दीवार पर। ये
ये रोज रोज की लोड शेडिंग, कम से कम आज के दिन तो बख्श देना था ना इन मर जाने में जलंधर शहर को। बिल्लू आज के दिन गुस्सा नहीं करते, बत्ती गई तो जाने दे, मोमबत्ती तो है, ये ले जलाए इसे। काहे से जलाओ ये मोमबत्ती है, जो दिए अंदर बाहर जलाए थे ना सारे बुझ गए हैं, और माचिस तो नहीं मैंने कहाँ रख दिए। एक मिनट माही, माही पुत्र माचिस दे दे जरा, शायद किचन में रख दिए मैंने।